सबसे पहले धन्यवाद दूंगा डिस्ट्रीब्यूटर जो इस फिल्म को रिलीज कर रहे हैं। एक ऐसी ऐतिहासिक फिल्म, एक ऐसी सत्य घटना पर आधारित फिल्म पूरे भारतवर्ष में रिलीज कर रहे हैं। आप वाकई धन्यवाद के पात्र हैं। जिनके हमारे आराध्य श्री राम जी जिनकी भक्ति करते थे, और राम और शिव दोनों एक दूसरे के भक्त थे, तो मैं समझता हूँ कि इस फिल्म को सफलता मिले इसमें कोई संदेह नहीं, और मेरी समस्त शुभकामनाएँ सारी टीम के साथ। इस फिल्म का संगीत ज्ञानेश्वर भाई ने दिया है, मैंने तो ये गाना गाया है। हाँ, उदित के बारे में ज़रूर मैं कह सकता हूँ, मेरे बहुत सारे गाने गाए हैं और जिसके नाम में नारायण शामिल हैं, नारायण के आशीर्वाद से उदित हुआ है, इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, बहुत छोटा हूँ मैं कहने के लिए। मेरा बहुत प्रिय कलाकार है, बहुत अच्छी, मैं हमेशा उसको कहता हूँ कि तेरा डिक्शन बहुत अच्छा है, उच्चारण बहुत सुंदर है, वॉइस की टोनल क्वालिटी बहुत अच्छी है, और बहुत समर्पित है अपने काम में। और ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि वो और दिन पे दिन आगे बढ़े और तरक्की करे और अपने मकाम हासिल करे। मुंबई नगरी में विद्यापति कवि जी के नाम से फिल्म बन गया है और उसमें मुझे भी गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस फिल्म के जितने भी लोग हैं, जितने भी टीम हैं, बधाई देता हूं, लोग पसंद करेंगे इस फिल्म को। जय जय भैरवि असुर भयाउन पशुपति भामिनी माया, जय जय भैरवि असुर भयाउन। हम जब से पैदा हुए और होश संभाला तब से विद्यापति कवि जी के गाने, ये सब ट्रेडिशनल गीत हैं, ये सब ऐसे रचनाएं हैं, ऐसे उन्होंने रचना करके गए हैं कि जो हम सब के लिए उन्होंने मार्गदर्शन दिखाया। और इसीलिए मैंने कहा कि ऐसे कवि के बारे में हम अगर कुछ बोलते हैं तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात होती है। ये ऐसे कवि थे जो भगवान स्वरूप कवि थे, और ऐसे कवि ने मिथिला का नाम, हम सब का नाम को अमर किया है। भोलेनाथ का भक्त हूँ, मिथिला का रहने वाला हूँ, और बचपन से ही जब से हो संभाला ये गीत हमेशा मेरे कानों में मेरे पिताजी और मेरे दादाजी के द्वारा गूंजता रहा कि कखन हरब दुख मोड़ है भोलानाथ, कखन हरब दुख मोड़। फिर बाद में जिज्ञासा भी पता चला कि अरे तो विद्यापति जी ने लिखा है, तो मैं उगना धाम गया। और जिस दिन जलाभिषेक किया उस दिन जब मैं उगना धाम को, उस धाम का जो स्थिति मैंने देखा, मुझे लगा कि विद्यापति जी को शायद सिर्फ मिथिला के लोग जानते हैं। हमने वही संकल्प लिया है महादेव के पास, और आज भी महादेव से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करते हैं कि हमने जो संकल्प लिया है कि विद्यापति जी को पूरे विश्व में लोगों को ये बताएं कि हमारे हिंदुस्तान में एक ऐसे कवि हुए, हमारे हिंदुस्तान में एक ऐसे कवि हुए जिनके यहाँ भगवान शिव खुद चाकरी करने आए, और ये इतिहास प्रमाणित करता है इस बात को, उसी का दिन वो उगना धाम है। तो निश्चित रूप से इनका संकल्प पूरा करते हैं, एक चिल्ली के सपने कभी पूरे नहीं होते और लिए गए संकल्प कभी अधूरे नहीं होते। तो फूल सिंह जी का और ये हे भोलेनाथ की जो टीम है, ये सभी को संरक्षण और मार्गदर्शन और सामर्थ्य क्षमता भोलेनाथ की कृपा से प्राप्त हो, और जितनी अपेक्षा है उससे ज़्यादा सफल हो, ऐसी शुभकामना और प्रार्थना करूँगा।